नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 44 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये जानना चाहते हैं कि इनके वर्क में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो कब तक सॉल्व होंगी, साथ में बेटे की हेल्थ में कब तक सुधार आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इनके वर्क की बात करें तो यहाँ पर मुझे भाग्य रेखा पर देखूँ मैं, ये डार्कनेस सी है। ये देखिए ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से जैसे परेशान होना, लेकिन ये देखिए स्मूथनेस आ रही है। अगर हम इस रेखा को देखें यहाँ पर, ये देखिए रेडनेस सी है, डार्कनेस सी है जैसे, और ये देखिए ये स्मूथ रेखा है, एकदम सॉफ्ट स्मूथ चल रही है। मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 साल में इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और चीज़ें स्मूथ चलने लगेंगी, काफ़ी हद तक टेंशन ख़त्म हो चुकी होंगी। तो वर्क का तो मुझे ये सीन दिखाई देता है। और अगर मैं इनके इनका जो क्वेश्चन था बेटे की हेल्थ को लेके, तो उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा इनको उपाय करना चाहिए। थोड़ा सा जैसे टेंशन भरा अगर मैं देखूं, थोड़ी सी टेंशन मुझे दिखती है कि बच्चे की हेल्थ की तरफ से थोड़ा टेंशन होना या रिकवरी में थोड़ा समय लगना, वो चीज़ मुझे दिखती है। अब या जैसे समय के साथ धीरे धीरे अगले 3 से 5 साल में चीज़ें स्मूथ होना, चीज़ें पॉजिटिव की ओर जाना, वो सब चीज़ें मुझे दिखती हैं। और देखिए इनके हाथ में अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, जब इंसान के हाथ में ये देखिए ये इस तरह की भाग्य रेखा बन जाती है तो इंसान के जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें चलती हैं। ऐसा लगता है कि इनकम से ज़्यादा खर्चे भी हो रहे हैं, काम रुक रुक के बन रहे हैं, काम धीरे बन रहे हैं, या जो काम हम कर रहे हैं उसका फल कम मिलना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन जब इस तरह की रेखा फाइन पतली रेखा चलती है तो इंसान के जीवन में बढ़ोतरी आने लगती है, ग्रोथ होती है, सक्सेस आती है, जो वो मेहनत करता है उसका पूरा पूरा फल मिलने लगता है। तो आगे आने वाला समय अगर मैं देखूं 1 से 1.5 साल में काफ़ी हद तक लाइफ की काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अब चलिए हाथ में देखते हैं इनके, मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को भी मिली हैं, तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या और मिलता है। तो अगर मैं देखूं तो अच्छा खासा रेक्टेंगुलर पाम है और पाम की जो स्किन का कलर है वो पिंक और लाइट ब्राउन टाइप का है। तो देखिए जब भी पाम की स्किन का कलर लाइट ब्राउन और पिंक होता है तो इंसान को जीवन में ग्रोथ ज़रूर मिलती है, मेहनत करके मिलती है। थोड़ा सा लगता है कि जीवन में थोड़ा देरी से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो फल ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि फल डिनाइड, फल अवश्य मिलता। यहाँ पर अगर मैं देखूँ हाथ में तो ये देखिए रेक्टेंगुलर पाम है, पूरी तरह से रेक्टेंगुलर पाम है। सोचा विचारी बहुत करते हैं ऐसे लोग, ही मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा लंबी होती है। देखिए अच्छी खासी लंबी फोर्कनुमा मस्तिष्क रेखा है, तो ऐसे में इनोवेटिव भी होते हैं, नए नए आइडियाज़ डेवलप करना, नई नई चीज़ों के बारे में सोचना। ऐसे लोग सोते जागते लेटे बैठे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, सोचना इन द सेंस कि डेवलपमेंट कि क्या और बेटर किया जा सकता है, मैं अपनी लाइफ में ऐसा क्या करूं कि जिससे कि और ग्रोथ सक्सेस में आए मेरी लाइफ में, ऐसा कौन सा फील्ड है कि जो मुझे और बेटरमेंट दे सकता है, इस तरह की चीज़ें, कुछ और नया ग्रोथ, कुछ और नई चीज़ों के बारे में। इनके अंदर क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ को लेकर मुझे जानना है, मुझे समझना है कि क्या हो रहा है, मैं सोचना मुझे और मैं कैसे जीवन में राइज करूं, हर चीज़ को लेकर इनके अंदर एक अपग्रेडेशन की इच्छा होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब हाथ में चलते हैं, यहाँ पर देखें तो एम का चिन्ह बहुत अच्छा खासा बना हुआ है। एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, देखिए मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा। इंसान अपने क्या होता है कि मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करता है, और इनकी देखिए मस्तिष्क रेखा फोर्क नुमा है, तो आगे जीवन में करीब ऐसा लगता है मुझे 50 के आसपास बड़ा एक्सप्लोरेशन होना, बड़ा कुछ जीवन में दिखना और उसके बारे में और रिसर्च करके उस तरफ जाना और सक्सेस ग्रोथ पाना, कुछ इस तरह की चीज़ भी मुझे दिखती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अपने माइंड को एक्सप्लोर, अपने माइंड का यूज़ करते हुए ग्रोथ सक्सेस पाना, फिर जब आप ग्रोथ और सक्सेस पाते हैं तो आपका हृदय भी खुश रहता है और जीवन भी संवर जाता है। तो एम के चिन्ह का तो ये यूज़ है। यहाँ पर देखें हम मनी ट्रायंगल की बात करें तो ये देखिए अच्छा खासा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में है, धन की तिजोरी अच्छी खासी है। मनी ट्रायंगल के अंदर अंदरूनी ट्रायंगल भी अच्छा खासा बैंक बैलेंस जीवन में करवाता है, तो उसकी कोई टेंशन चिंता नहीं है, धन खूब बना रहेगा जीवन में। यहाँ पर देखें हाथ में ये देखिए
तो ये देखिए जीवन का ग्राफ ये इस तरह से चल रहा है। जीवन में एक इनिशियल टाइम स्ट्रगल किया है इन्होंने, और जीवन में ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, जीवन में सक्सेस देरी से आ रही है, थोड़ा सा ये चीज़ ऐसा महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रोथ सक्सेस पाते चले जाएंगे, काफ़ी अच्छा समय और जीवन में आगे देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा पैसा कमाया भी होगा और आगे भी कमाएंगे ये। अब हाथ में देखते हैं इनके फिंगर्स की ओर, देखें फिंगर्स में हमें क्या क्या मिलता है। देखिए फिंगर में अगर मैं देखूं तो ये फिंगर इस तरह से मुड़ रही है, ऊपर वाले में आस्था रखना, रिलीजियस माइंडेड होना और टाइम टू टाइम मंदिर जाना, भगवान से में मन लगना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। ये देखिए ये गैप भी है, तो ये कई बार अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी करवाता है, ये देखिए गैप से खर्चे भी करवाते हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये गुरु की फिंगर लंबी है। ऐसे लोग ज्ञान अटेन करने में बहुत अच्छा भी तो लगता ही है, साथ में स्वाभिमानी भी होते हैं, कभी किसी से कुछ मांगना पसंद नहीं करते। इनके अंदर होता है कि जो करूँगा मैं अपने बलबूते पर करूँगा, जितना मेरे बस की है मैं करूँगा, और किसी कभी किसी से बहुत जल्दी मदद लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। इनके अंदर होता है कि मैं खुद कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँ, मैं क्यों दूसरों पर डिपेंड रहूँ, मैं खुद भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, इस तरह की फीलिंग होती है इनके अंदर। और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी देखी जाती हैं। यहाँ पर देखें छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेज तक नहीं आ रही है, ऐसे लोग थोड़े इमोशनल भी ज़्यादा होते हैं। होता क्या है, ऐसे लोगों का भोला स्वभाव होता है और सामने वाले लोग इनके भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, और इस वजह से इनको जीवन में धोखे भी ज़्यादा मिलते हैं। अब और कई बार होता है कि जीवन में थोड़ा सा इनको ये फीलिंग भी आती है कि जो आता है अपना मतलब निकाल के जाता है, जो आता है हमें धोखा देने में लगा रहता है, इस तरह की एक्सपीरियंसेस इनके साथ होते होंगे। अब इनके हाथ में अगर मैं देखूं तो इनके चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखिए फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। एक चीज़ और, इनका एक प्रश्न था ये मछली को लेके, देखिए ये मछली जो है ना ये अभी अधूरी लग रही है मुझे, परंतु ये समय के साथ साथ पूरी भी होगी। ये देखिए ये यहाँ से इस तरह से कवर अप हो रही है, ये थोड़ा सा पोर्शन अगर बंद हो जाए, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा है भी, हल्की लाइन है, अगर थोड़ा और डार्क हो जाए तो इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। इन्हें लैक्स में कमाते हैं लोग, ऐसे लोग यानी मंथली इनकम लैक्स में होती है। और ये लोग क्या होता है कि इस तरह की मछली जैसे जब पावर में थोड़ा और डार्क हो जाए, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ ये जो लाइंस हैं ये देखिए इस तरह की लाइन कितनी डार्क है, ये थोड़ा सा ये लाइन भी ये पोर्शन भी डार्क हो जाए ज़रा, तो ये इनको बहुत बढ़िया फल देगा। मुझे लगता है अगले 1 से 1.5 साल में ये मछली का चिन्ह ऐसी डार्क हो जाएगा और इनको भरपूर फल देगा, क्योंकि अपने भाग्य रेखा पर भी यहाँ पर भी देखिए ये चेंजेस देख रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया ज़बरदस्त चेंज देने लगेगी, बहुत ज़बरदस्त अच्छी पैसे रुपए की बढ़ोतरी भी देगी। अब इनकी फिंगरप्रिंट्स की ओर आते हैं, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये इस तरह का डबल लूप मुझे दिखाई पड़ता है। गुरु की फिंगर पर जब भी डबल लूप होता है तो इंसान अपने जीवन में कई बार जिस चीज़ क्षेत्र की पढ़ाई करता है उस क्षेत्र से अलग फील्ड में काम करना, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस होता है, कई बार अपने क्षेत्र चेंज करता है, तरह तरह की नॉलेज गेन करना पसंद करता है। यहाँ पर देखें बड़ा अच्छा चक्र का निशान है, ऐसे लोग समय के साथ साथ मैच्योरिटी लेते हैं। होता क्या है कि आपके जीवन में इंसान के इतने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, कौन मेरा अपना है कौन पराया है, इस तरह की चीज़ें होना। साथ ही साथ ऐसे लोग जीवन में हमेशा ये देखते हैं कि मैंने अपनी गलतियों से क्या सीखा, मैंने जो जीवन में मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ तो मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना हो, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जीवन में, इस तरह की चीज़ों से वो काफ़ी कुछ सीखते हैं और सक्सेस भी अच्छी खासी पाते हैं। और इनको ये भी पता चल जाता है, 5 मिनट में देख के बता देंगे सामने वाला हमें धोखा देने आया है, फालतू बात बनाने आया है या हमारा सच्चा साथी है। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर भी ये बढ़िया सा चक्र का निशान है, सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान बहुत शुभ माना जाता है। हमेशा चक्र का निशान सूर्य की फिंगर पर इंसान को जीवन में बहुत तगड़ी ग्रोथ और सक्सेस देता है। ऐसे लोग जब 60 ईयर्स पे आके अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने आप को देखते हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने अपने जीवन में करियर में क्या किया, क्योंकि 60 ईयर्स की एज एक हमारे इंडिया में माना जाता है कि रिटायरमेंट एज मानी जाती है, चाहे भले ही आप उसके बाद काम क्यों ना करें, लेकिन फिर भी इंसान अपने आप को चेक करता है कि मैंने क्या किया। तो ऐसे में इंसान अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे पाता है कि हाँ आज जब मैं 25 साल का था मेरे पास क्या था, और आज मैं 60 इयर्स की एज पे आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हूँ, क्या नहीं है मेरे पास, क्या सुख सुविधा नहीं है मेरे पास, जीवन की हर सुख सुविधा हर ड्रीम मैंने फुलफ़िल किया, इस तरह का सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए अच्छा खासा ये
चक्र का निशान है, ये देखिए बढ़िया सा चक्र का निशान है। होता क्या, जब भी ऐसे चक्र के निशान होते हैं इस तरह की फिंगर पर, बुध की फिंगर पर, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए और माइंड को शार्प रखना, पैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है ऐसे लोगों का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके ये लोग कि कैसे पैसे की ग्रोथ और कैसे हो सके, इसीलिए इनके मस्तिष्क रेखा पर ऐसे लोगों के दबाव भी दिखता है। होता क्या है, ये लोग बहुत ज़्यादा माइंड को एक्टिवेटेड भी रखते हैं, होता क्या शार्प माइंडेड होते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है और हर चीज़ का कि क्या मार्केट में क्या हो रहा है, किस चीज़ का में ग्रोथ ज़्यादा है, इस तरह की बहुत तरह का एनालिटिकल पावर, हर तरह की चीज़ें की नॉलेज बहुत ज़बरदस्त रखते हैं ये लोग। जैसे कि हमने गुरु की फिंगर पे भी देखा था, डबल लूप है तो नॉलेज ये उनको लगता रहता होगा क्या क्या और सीख लें, क्या क्या और वो करें। कई बार इस तरह की जब गुरु, जब बुध के ऊपर चक्र होता है तो इंसान का ध्यान कई बार एस्ट्रोलॉजी वगैरह वाली साइंसेस की ओर भी जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ओर ज़्यादा जाता है, अकाउंट्स मैनेजमेंट, सेल्स मार्केटिंग, इन सब में ये लोग काफ़ी बढ़िया देखे जाते हैं। और अब मैं चलती हूँ इनके अंगूठे की ओर, देखें इनका अंगूठा क्या बताता है। देखिए यहाँ पर मुझे डबल लूप दिखता है, ये देखिए ये डबल लूप दिख रहा है, हालांकि अगर मैं देखूँ तो काफ़ी बढ़िया। ये डबल लूप क्या होता है, जीवन में चेंजेस के बारे में बताता है, बात बात पे चेंजेस आना, आप सीधा सीधा एक काम कर रहे थे अच्छा खासा चल रहा था, फिर आपको पता चला दूसरी रोड पकड़नी पड़ गई, फिर तीसरी रोड पकड़नी पड़ गई, इस तरह की चीज़ें कई बार होते हैं, गोल घुमाव, ट्विस्ट एंड टर्न्स, लेकिन फिर भी जीवन में अच्छी सक्सेस ज़रूर मिलती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, ये एक तो ये रेखा परेशान कर रही है, काम में अड़ंगे लगा रही, काम को स्लो डाउन कर रही है, ये देखिए ये इस तरह की रेखा, ये रेखाएं परेशान करती हैं, फालतू की टेंशन, फालतू के अड़ंगे ये सब लगवाती हैं। यहाँ पर देखें बड़ा ही अच्छा इनके यव का निशान है, ड्रीम्स फुलफिल कराती है लाइफ में, एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म दिलाती है, यानी कि आप एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहाँ पे माता पिता का नाम भी रोशन आप कर रहे हैं, अच्छे संस्कार आपको मिले हैं, अच्छी सपोर्ट मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और अगर मैं देखूँ तो ये विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका बहुत अच्छा है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये देखिए लाइन ऑफ डिज़ायर्स भी है, लाइन ऑफ ट्रेवल्स भी इनके हाथ में दिखती है, और ये जो नेगेटिव रेखा है मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा मेडिटेशन किया करें, डेली भले ही 5 मिनट का समय दें, ओम का उच्चारण करें, उससे इनको बहुत लाभ होगा। ये फालतू की जो रेखाएं हैं परेशान कर रही हैं, 6 से 8 महीने में अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, इनका असर बुरा इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए हाथ में विल पावर जब अच्छी हो लेकिन ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स परेशान कर रहे हो तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ कैसे लेगा, तो यही रीजंस होते हैं। तो जैसे ही ये उपाय करना शुरू करेंगे थोड़े समय में इनको अच्छा इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स में हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड में ये बड़ा अच्छा ये डबल लूप मुझे दिखता है, इतना बढ़िया डबल लूप। ये डबल लूप क्या, जैसे हमने देखा था राइट हैंड में भी ये डबल लूप वही चीज़ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा बने रहना जीवन में, क्यूरियसिटी बने रहना, ये चीज़ को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा चक्र का निशान है, गोल चक्र बहुत बढ़िया माना जाता है, हमने राइट हैंड में भी सेम यही चीज़ देखी थी, जीवन का सच्चा ज्ञान हो जाना, मैच्योरिटी लेना, एक होता है कि इंसान जो भी बोलेगा सोच समझ के तोल मोल के बोलना, इस तरह की लेवल तक ये लोग पहुँच जाते हैं। इनकी सलाह की भी बड़ी वैल्यू होती है, लोग मतलब बात करते हुए सोचते हैं कि भाई इनसे बात कैसे करें, और इनके एक बढ़िया लेवल अटेंड कर लेते हैं समाज में, एक समझदार व्यक्ति के रूप में एक लेवल इनका आ जाता है। अब आते हैं इनके हाथ में, यहाँ पर भी देखिए ये चक्र का निशान, जब दोनों हाथों में सूर्य की फिंगर पे चक्र का निशान हो, बहुत ज़बरदस्त नेम फेम भी पाते हैं, समाज में अच्छा मान सम्मान रुतबा पाते हैं, एक अच्छी धाक जमाना है, एक अच्छा कहना चाहिए एक पोजीशन पावर ले लेते हैं समाज में, ये सब चीज़ें दिखती है। देखिए ये वर्टिकल लाइंस हैं इनके हाथ में जो कि बहुत बढ़िया मानी जाती हैं सूर्य में, ये बहुत बेनिफिट भी देती हैं। एक होता है ना कि आपने जो आज तक काम करा उसका आपको मान सम्मान मिलने लगे, लोगों में पहचान बनने लगे, वो चीज़ दिखती है। ये देखिए ये यहाँ पर भी ये इस तरह की लाइंस मुझे दिखाई पड़ रही हैं, ये भी मॉनेटरी गेंस करवाती हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये चक्र का निशान अच्छा खासा है, ये देखिए ये इस तरह का चक्र का निशान है, ये
ये बुध की फिंगर पर, बहुत बढ़िया है। जैसे कि हमने राइट हैंड में भी चक्र का निशान देखा था, तो रुपए पैसे कमाने की बहुत अच्छी कला, ट्रिक्स टिप्स बहुत अच्छे से जानते हैं, एक तरह से बुद्धिशाली होते हैं। अपनी बात को कहने का कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त देखा जाता है। अब अगर चलते हैं इनके हाथ में, ये देखिए यहाँ पे लंबी लंबी रेखाएं, ये भी हाथ को काफ़ी बल देती हैं इस पर्वत को। देखिए साथ में ये छोटी छोटी रेखाएं, ये भी, यानी कि ये जो लंबी रेखाएं, ये पॉजिटिव रेखाएं हैं, ये इसको बल दे रही है, लेकिन साथ में ये रेखा आके काम खराब कर रही है। ये हो रहा है काम खराब, ये देखिए ये सूर्य का काम खराब करना, ये अननेसेसरी कोई ब्लेम लगना, अननेसेसरी बातें उड़ जाना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब चलते हैं इनके अंगूठे की ओर, देखें अंगूठा क्या बताता है। ये देखिए ये इस तरह का उल्लंघन लूप है। जब भी इस तरह का उल्लंघन लूप होता है, इंसान अपने घर परिवार वालों को बहुत प्यार करता है, अपने भाई बहनों को, अपने मित्रों को, इस तरह से बहुत प्यार करना, बहुत लगाव रहना। इनके मन में ये तक रहता है कि मैं अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर दूँ, उनके लिए क्या मेरे से पॉसिबिलिटी है, मैं कर पाऊँ, और अपने जान से नछावर रहना, बहुत डीप प्यार इनके मन में देखा जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव रेखा है, परेशान कर रही है सब। ये विल पावर यहाँ पर भी बहुत अच्छी है, और देखिए ये भी यव का चिन्ह इनका बन रहा है, इस तरह से ये यव का चिन्ह ये बन रहा है, तो ये ड्रीम्स फुलफिल करवाता है। ये देखिए ये लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ ट्रैवलिंग, ये सब इनके हाथ में है। काफ़ी अच्छा है, मजबूत अंगूठा है, पीछे की ओर ज़्यादा नहीं मुड़ता है ये अंगूठा इनका। तो जो एक बार सोच लिया वो सोच लिया, जो मैंने ठान ली कि मुझे करना है तो करना है, इस तरह के विचार वाले व्यक्ति ये होते हैं। और अगर हम दसों उंगलियों को समराइज करें तो हमें इनके तीनों दोनों हैंड्स में तीन तीन चक्र के निशान हमें दिखाई देते हैं। छह चक्र के निशान हैं जो कि हाथ में बहुत बढ़िया माने जाते हैं। खास तौर से देखिए सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान, बुध की फिंगर पर चक्र का निशान, तो ये दो कॉम्बोज जब बनते हैं तो इंसान हो ही नहीं सकता कि राइज ना करे। हालांकि शनि की फिंगर पर भी चक्र के निशान हैं, तो बट सूर्य और बुध की फिंगर पर चक्र के निशान बहुत राइज कराते हैं जीवन में, और इंसान को बहुत अच्छी उपलब्धि भी दिलाते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके हाथ में मुझे बहुत पॉजिटिव लगी, तो अपने आप में ही एक अच्छा मजबूत हाथ है। प्रोफेशनली सक्सेस के मामले में भी और रुपए पैसा कमाने के मामले में हाथ काफ़ी मजबूत है। अब चलते हैं इनके हाथ में माउंट शनि पर्वतों की ओर, देखें इनके पर्वत क्या बताते हैं। एक इनका प्रश्न था कि यहाँ पर ये अंगूठे के नाखून पर ये इस तरह का चंद्रमा का निशान है, ये क्या है, अर्धचंद्र का, ये बहुत बढ़िया माना जाता है। ये इंसान को देखिए अपने, जैसे मैंने कहा, ड्रीम्स फुलफिल करना, पैसा कमाना, नेम फेम सक्सेस पाना, और जैसे कि आगे जीवन में राइज करने में बहुत हेल्प करता है। ये निशान हर किसी के हाथ में नहीं पाया जाता, ये बहुत कम लोगों के हाथ में पाया जाता है जो जीवन में एक बहुत बढ़िया लेवल की सक्सेस पाते हैं। जितना बढ़िया निशान होता है उतना, जैसे कि आप कह सकते हैं चंद्रमा का निशान, जैसे एक छोटा चंद्रमा होता है, कई बार इतना चंद्रमा होता है, लेकिन ये इतना बड़ा चंद्रमा है, तो ये उतनी ही हायर लेवल की सक्सेस दिलवाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए ये यहाँ पर भी चंद्रमा, ये यहाँ पर भी चंद्रमा इनके हल्का सा, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त। देखिए गुरु की फिंगर पर, जुपिटर की फिंगर पर चंद्रमा ये होना, अर्धचंद्र होना, सूर्य की फिंगर पर अगर मैं देखूँ तो ये बहुत उपलब्धियाँ दिलवाता है इंसान के जीवन में, बहुत ज़्यादा राइज करवाता है, ये बहुत अच्छी सक्सेस भी दिलवाता है। ये ऐसे देखिए इनके यहाँ पर ये इस हैंड में भी है, लेफ्ट हैंड में भी ये चंद्रमा है, अर्धचंद्र है ये, तो ज़रूर सक्सेस अश्योर्ड होती है। और कहना चाहिए जैसे कि मैंने कहा कि नेम फेम सक्सेस, एक हायर लेवल पे ग्रोथ पाना, ये सब चीज़ें अश्योर्ड मानी जाती हैं। यहाँ पर भी देखिए ये गुरु की फिंगर पर मुझे इस तरह का चंद्रमा ये दिखा, तो नॉलेज भरपूर, हर तरह की नॉलेज, हर फील्ड की नॉलेज, मुझे सीखना है, मैं सीखूंगा, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। और कई बार धर्म कर्म के मामलों में भी इनका ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है, डोनेट करना, या होता है कि किसी एनजीओ से जुड़ जाऊँ, किसी समाज सेवा करूँ, इस तरह की चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान जाना, ये सब चीज़ें भी जीवन में काफ़ी देखी जाती हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर गुरु पर्वत, देखें वैसे तो गुरु पर्वत इनका काफ़ी मजबूत है, काफ़ी बढ़िया हमने देखा, सब निशान भी देखे, लेकिन यहाँ पे दबा हुआ है। जब भी गुरु पर्वत इस तरह से दबा होता है तो इंसान के जीवन में अकेलापन, मैंने देखा है कि अकेलापन होता है, इंसान को लगता है कोई मेरे समय का साथी नहीं है, सब मेरे से फ़ायदा उठाने आए हैं, या अकेलापन ज़्यादा, या पारिवारिक सपोर्ट कम मिलना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे एक बढ़िया सा नक्षत्र का निशान मुझे दिखता है,
ये नक्षत्र का निशान अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी करवाता है। जब सब तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोई ना कोई दरवाजा खुलता है और जीवन में एक जंप भी मिलता है, एक हेल्प भी मिलती है। यहाँ पर देखिए एपेक्स का चिन्ह है, तो ये इनको टाइम टू टाइम अपडेशन, टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करने की इच्छा, ये सब चीज़ें दिखती हैं। अब मुझे, मैं इनके हाथ में देखूँ तो यहाँ पर ये देखिए, ये त्रिशूल नुमा निशान है। ये ओल्ड एज लग्जूरियस बनाता है, भाग्य रेखा को बल देता है। समय कैसा भी हो, इंसान के पास पैसा अच्छा भरपूर बना रहता है, लाइफ अच्छी लग्जूरियस भी रहती है। और यहाँ पर देखें, ये देखिए शनि पर्वत दबा हुआ है। जब भी शनि पर्वत दबा होता है, इंसान के मन में कोई ना कोई टेंशन चल रही होती है, इंसान का मन खुश नहीं होता, कहीं ना कहीं दिल में एक वो रहता है कि मैं मन में दुख चलना, ये चीज़ दिख रही है। जैसे समय पार होगा ये चीज़ भी नॉर्मल हो जाएगी। और भाग्य रेखा का अंत यहाँ होना, त्रिशूल बनना, तो ये तो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये इस तरह से ये दो विद्या रेखा चल रही है। काफ़ी नॉलेज गेन करते हैं ऐसे लोग, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि हर चीज़ को सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा देखी जाती है। एक इनके हाथ में मुझे यहाँ पर एक लूप दिखता है, ये इस तरह का लूप, ये वर्कहोलिक बनाता है इंसान को। इंसान के अंदर होता है कि हर चीज़ को सीरियसली करना, वर्कहोलिक बनाना, और ना खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं, हर चीज़ पर मेहनत से काम करना। और जब सूर्य रेखा इतनी लंबी हो तो स्कूल कॉलेज के बाद भी ये लोग जीवन में सीखते रहते हैं, इनको रहता है मुझे सीखना है, तरह तरह से सीखना है, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ इनके हाथ में मुझे एक चीज़ दिखती है, ये देखिए ये इस तरह का, ये कमल का चिन्ह है। ये इन्होंने पूछा भी था ये क्या है, ये कमल का चिन्ह है। और मैं अगर देखूं तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल भी दिख रहा है मुझे, तो जैसे कि सूर्य का पर्वत है, हालांकि दबा हुआ है, तो कई बार होता है कि आंखों का चश्मा, पिता से मतभेद, पिता से दूरी, जो कि 44 ईयर्स की एज में एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये चीज़ जो है कमल का चिन्ह बहुत अच्छी सक्सेस दिलाता है। और इनकी सूर्य रेखा अगर मैं देखूँ, ये देखिए ये हाथ में इतना बढ़िया ये इस तरह से निशान बना रही है, देखिए ये तो ऐसे लोगों की तो शॉर्ट सक्सेस होती है। ये किसी इस तरह के पर्सन का हाथ है जो जीवन में बहुत तगड़ी सक्सेस पाने वाले हैं, बहुत हाई लेवल की सक्सेस पाएंगे। ये देखिए, और ऊपर से ये इस तरह का ये निशान जो है, ये कमल का चिन्ह है, और ये मुझे लग रहा है यहाँ से भी ये इस तरह से टच कर रहा है। ये शायद फोटो में कंप्लीट नहीं हो पाया, पर ये इस तरह से ये जा रहा है, विद्या रेखा को भी टच कर रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त निशान है इनके हाथ में, बहुत ग्रोथ सक्सेस पाते हैं ऐसे लोग। तो ये त्रिशूल नुमा निशान, ये कमल का चिन्ह, ये चीज़ें मामूली नहीं होती हाथ में, हाथ को अपने आप अपग्रेडेशन दे देती हैं, अपने आप इंसान को खूब राइज करवाती हैं। मेहनत का भरपूर फल मिलता है, उससे ज़्यादा भी मिलता है। अब ये देखिए हाथ में, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये अच्छा खासा ये स्क्वायर बन रहा है, तो ये प्रॉपर्टी भी जीवन में अच्छी खासी करवा देगा। और यहाँ पर एक देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर भी एक लूप है। ये दूसरी पिक्चर लेते हैं, ये देखिए ये इस तरह का लूप जब होता है तो इंसान हंसी मजाक का शौकीन भी होता है। यहाँ पर देखें तो बुद्ध की ये रेखा इस तरह से आ रही है। देखिए, या तो इंसान कोई अपना काम भी करता है तो उसमें भी सक्सेस मिलती है, अच्छे सलाहकार भी होते हैं, और क्या होता है कि ऐसे में इंसान का रुझान कई बार एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी जाता है, जैसे कि मैंने इनकी उंगली के भी देख के बताया था। थोड़ा सा ये देखिए, ये हिस्सा थोड़ा दबा हुआ है, हालांकि ये लाइन्स हैं, हेल्पिंग नेचर होगा, हीलिंग नेचर होगा इनका, और कई बार होता है मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं, प्रोफेशनली नहीं लेकिन होता है कि इनकी बातों में बड़ा मोटिवेशन होता है। ये इस हिस्सा जब दबा हुआ होता है ना, तो ये इंसान को कई बार बातें पीनी पड़ जाती हैं, सामने वाले को थोड़ा सा होता है कि आप अपने उनका रिगार्ड करने के चक्कर में आपको थोड़ा चुप लगाना पड़ रहा है, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, मंगल पर्वत अच्छा खासा है, रिस्क टेकर बनाता है, बाहर से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होते हैं, अंदरूनी मंगल भी बहुत अच्छा है, तो ये अंदर से भी बहुत बोल्ड है, जल्दी चीज़ों को देख के घबराते नहीं हैं ऐसे लोग, डरते नहीं हैं, इनको लगता है कि ठीक है, अरे सब सही हो जाएगा, ऐसे कैसे, तो ये लोग किसी चीज़ को, कैसी भी सिचुएशन हो उसमें घबराते नहीं हैं थोड़ा सा। और ऐसे लोग का मैंने देखा, जब मंगल अच्छा होता है ना तो प्रॉपर्टी वाइज भी इनका लक अच्छा चलता है,
दूसरी चीज़ क्या है कि जब मंगल अच्छा होता है तो इसका एक मैंने चीज़ और देखी है कि गुस्सा पीना भी पड़ जाता है। होता क्या है कि सामने वाले लोग एक्साइट करते हैं, जो आते हैं वो गुस्सा दिलाते हैं, और ऐसे लोगों को गुस्सा पीना पड़ जाता है कि भाई शर्म लियाज में गुस्सा पीना पड़ गया कि भाई क्या बोले इनसे, तो चुप लगाना पड़ रहा है, शर्म लियाज के मारे गुस्सा पीना पड़ रहा है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ चंद्रमा इनका अच्छा है और यहाँ से रेखा का निकलना, तो जीवन में लेडी का किसी का सपोर्ट, जैसे माता है, बहन है, इस तरह के जीवन में सपोर्ट भी दिखता है। देखिए यहाँ से भी, और घर परिवार से कई बार होता है दूर रह के पैसा भी कमाते हैं ये लोग। और जैसे कई बार होता है कि आपको ये देखिए ट्रैवलिंग लाइंस बहुत ज़्यादा इनके हाथ में दिख रही हैं, और ऐसे लोग दूर रह के पैसा कमाना या फॉरेन कंट्री से लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। आप कई बार दूर सिटी से पैसा मिलना, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। और ये मछली के चिन्ह के बारे में तो मैंने बता ही दिया था इस तरह से। अब हाथ में देखें, देखिए यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं देखूँ तो शुक्र पर्वत अच्छा खासा है इनका, परंतु थोड़ा सा जो है दबा हुआ लग रहा है, जैसे मन में उत्साह की कमी हो, या जैसे कई बार होता है जीवन में थोड़ा पैसा और आ जाए तो मैं अपने लिए ये कर लूँ, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छे रहन-सहन, अच्छा खान पीन इनको बहुत पसंद आता होगा, महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, सब चीज़ बहुत लुभाती होगी। इनके अंदर मन में होता होगा कि भाई थोड़ा ज़रा फाइनेंशियल पोजीशन और बड़ी बढ़िया हो जाए तो मैं अपने लिए ये करवाऊँ, मैं घर में ये लगवाऊँ, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर मन में रहती होंगी। अब चलते हैं इनके हाथ में लाइंस की ओर, देखें इनकी लाइंस क्या बताती हैं। यहाँ पर देखें हाथ में, तो ये देखिए अच्छी खासी जीवन रेखा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी सक्सेस भी इन्होंने पाई होगी अर्ली एज में, तो 20-28 तक काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती रही होंगी, उसके बाद 30-32 तक अपॉर्चुनिटी का आना, और ये देखिए समय समय पर अपॉर्चुनिटीज़ का आना, ये देखिए हर 3-3 5-5 साल में। अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये थोड़ा सा दबाव नुमा, जैसे कि टेंशन ज़्यादा लेना कई बार होता है, वो चीज़ दिखती है ये देखिए। बाकी इनका जो प्रॉब्लम है 44 की अगर मैं आसपास देखूं, ये देखिए यहाँ से चीज़ें एकदम स्मूथ होती जा रही हैं आगे, जैसे मैंने कहा 46 के आसपास, ये देखिए ये आगे और अपॉर्चुनिटी का आना, चीज़ें स्मूथ होती जाना। ऐसे लोग लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक काम करना पसंद करते हैं, रिटायरमेंट जैसी चीज़ इनको समझ नहीं आती, इनको लगता है कि जब तक जीवन है तब तक काम करते रहो, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, इस तरह के लोग होते हैं, और ये काफ़ी ग्रोथ अच्छी भी ले लेते हैं। आगे भी मुझे लगता है जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ जीवन में सक्सेस पाते रहेंगे। देखिए ऐसे ही ये देखिए यहाँ से ये भाग्य रेखा निकली, ये देखिए भाग्य रेखा निकली, और ये देखिए आगे जीवन में अपनी समझदारी से पैसे की बढ़ोतरी करना। फिर इनका अगर मैं देखूँ समय थोड़ा सा 28 से लेके 35 तक थोड़ा सा समय ऐसा चला, और 33 से 35 चेंज दिखा रहा है, कोई ना कोई लाइन चेंज करना, कुछ ना कुछ जीवन में चेंजेस इनके दिखाई देते हैं। फिर ऐसे ही वो समय थोड़ा सा ये कठिन दिख रहा है, कभी ऑन ऑफ चलता रहा होगा, लेकिन आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है, और 50 के आसपास मुझे लगता है कुछ नया करने की ये सोच रहे होंगे। ये देखिए कुछ नए स्रोत बनेंगे इनकम के, और अगर मैं देखूं और 50 के आसपास, 48 और 52 समय ये काफ़ी अच्छा पैसा भी खर्च करेंगे, कोई खर्चा करना बड़ा, कई बार होता है आप बच्चे की एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, कई बार होता है कि आप कोई घर खरीदना या कुछ भी ऐसा लाइफ में, तो वो बड़ा खर्चा करना, वो चीज़ भी दिखती है। अब इनके मस्तिष्क रेखा पर आते हैं, तो मस्तिष्क रेखा देखिए अच्छी खासी है, परंतु टेंशन ज़्यादा दिखती है मुझे, दबाव नुमी है, ज़्यादा सोचा विचारी, ज़्यादा टेंशन इस वजह से, और त्रिशूल ये देखिए त्रिशूल नुमा टाइप है, फोक भी कह सकते हैं त्रिशूल टाइप है, तो कुछ ना कुछ बड़ा एक्सपोजर होना जी, मुझे लगता है ये यहाँ पर ये कुछ जो नया शुरू कर रहे हैं तो बड़ा एक्सपोजर के कारण ही करेंगे ये, तो ये मुझे चीज़ दिखती है। अब इनके हाथ में देखें यहाँ पर ये इनका एक प्रश्न ये था, ये देखिए यहाँ पे हृदय रेखा इस तरह से जा रही है, दोनों पर्वतों के बीच में जब हृदय रेखा आके रुकती है तो इंसान बहुत परोपकारी आदर्शवादी होता है, बहुत बड़ा दिल होता है इंसान का, सबको हेल्प करना, सबकी मदद करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये एपेक्स का चिन्ह है, तो ईश्वरीय शक्ति का हाथ भी दिखता है मुझे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल भी बनाता है इंसान को। यहाँ पर एक प्रश्न था इनका यव का चिन्ह दिखना, यव का चिन्ह देखिए कई बार होता है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड डिसीज़, ये सब चीज़ें मुझे जो है यव का चिन्ह करवाता है, या कई बार आप ध्यान रखिए कि किसी से कोई धोखा मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और परंतु मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा हार्ट डिसीज़ वगैरह से
बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का इम्पैक्ट मुझे थोड़ा सा यहाँ पर दिखता है। यहाँ ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, बस वो चीज़ दिखाई देती है। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखें लेफ्ट हैंड में हमें क्या दिखता है। और हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये कट, एक कट इस तरह से आ रहा है, ये देखिए ये कट अंदर से आ रहा है। तो ये कट जो होता है ना, ये इंसान को परेशान करवाता है, ये कट इंसान को परेशान करवाता है जो इस समय इनके जीवन में स्थिति चल रही होगी। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की टुवर्ड। देखिए यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, और यहाँ पर देखें तो ये इस तरह की रेखा निकलना ये ड्रीम्स को फुलफिलमेंट की ओर दिखाता है। यहाँ पर देखें तो देखिए शनि पर्वत अगेन दबा हुआ है, मन में टेंशन का चलना। हालांकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये बढ़िया सा फिश साइन बना हुआ है। फिश जब भी बनता है मछली का चिन्ह, तो ये ओल्ड एज लग्जरियस करवाता है। यहाँ पर देखें, देखिए ये भी यही जो हमने देखा था लूप ऑफ सीरियसनेस, यहाँ पर भी है सेम राइट हैंड में। देखिए लूप ऑफ ह्यूमर यहाँ पर जिससे राइट हैंड में, तो अच्छी सक्सेस मिलती है। देखिए और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए कितनी बड़ी मछली का चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है। सूर्य रेखा देखिए अच्छी खासी लंबी यहाँ तक भी भाग्य रेखा में मिल गई, ये बुद्ध रेखा यहाँ मिल गई, इस तरह का निशान हाथ में बन रहा है, बहुत बढ़िया है। देखिए यहाँ पर बुद्ध पर्वत कितना बढ़िया है, देखिए ये अगर मैं देखूँ, ये देखिए मंगल पर्वत इनका अच्छा, ये जैसे कि लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में भी था। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये देखिए चंद्र पर्वत यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, देखिए शुक्र पर्वत अच्छा है इस तरह का। देखिए ये मछली का चिन्ह यहाँ से ये ज्वाइन कर रहा है साथ में, तो खूब सक्सेस दिखती है। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मस्तिष्क रेखा, ये देखिए शुरू में दबाव नुमी टाइप की सी है, लेकिन जैसे ही ये देखिए यहाँ पर भी दबाव धीरे धीरे, अब दबाव कम होता जा रहा है, इनका स्ट्रगल कम होता जा रहा है। ये देखिए ये फोर्क नुमा टाइप की मस्तिष्क रेखा हो रही है, बड़ा एक्सपोजर जैसे मैंने कहा था 50 के समय पर। अब अगर देखो इनकी, ये देखिए लाइफ लाइन की ओर भी अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर देखिए ये देखिए जंजीरदार इस समय, ये देखिए समय काफ़ी डिस्टर्ब होना, लेकिन जैसे जैसे समय पार हो रहा है वैसी सॉफ्ट हो रही है रेखा। एक इस रेखा को देखिए, एक इस रेखा को देखिए, दोनों के टेक्सचर में अंतर है ये। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर, ये देखिए भाग्य रेखा, देखिए यहाँ से मिड से शुरू होना, घर की परिस्थिति धीरे धीरे संभली होगी जैसे कहते हैं धीरे धीरे। और देखिए यहाँ पर किसी लेडी का सपोर्ट दिखता है, ये यहाँ चंद्रमा से रेखा निकलना, और देखिए यहाँ से रेखा ये निकली और ये देखिए इस तरह से जा रही है। यहाँ पर भी रेखा में चेंज है, देखिए इसने डायरेक्शन बदल ली, यहाँ से हुई फिर ये डायरेक्शन बदल ली है इस तरह से चीज़ें देखते हैं। ये देखिए हृदय रेखा को अगर मैं देखूँ तो हृदय रेखा पर मुझे ये इस तरह के ये दबाव दिखते हैं, बातों को जल्दी दिल पे ले लेना, या लोगों से धोखा मिलना, ताने मिलना, आपने किसी के लिए अच्छा करा लेकिन बदले में लोग आपको चार बात सुना के गए, ये दबाव दिखता है कई बार, तो ये सब चीज़ें होती हैं। परंतु फिर भी अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल बहुत बढ़िया हैंड है, बहुत ब्लेस्ड हैंड है। दोनों हाथों में तीन तीन चक्र के निशान होना, और राइट हैंड में तो हमने इनके कमल का निशान देखा, तो त्रिशूल का जो निशान जो सूर्य रेखा, बुद्ध रेखा और भाग्य रेखा से बनता है, अपने आप में ही हैंड को बहुत ब्लेस्ड बनाता है। तो ये हैंड मामूली हैंड नहीं होते, ऐसे में बहुत लिखवा के लाए होते हैं ईश्वर से। ठीक है, थोड़ा समय का वो हो जाता है, दिक्कत आ जाती है जीवन में, परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जैसे ही समय क्रॉस होता है जीवन में बहुत ज़बरदस्त सक्सेस पाते हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब सक्सेस पाएँ, खूब राइज करें, खूब धन की वर्षा हो, और जो भी दुख परेशानी हो वो दूर हो, बच्चे का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस, धन्यवाद।